नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर लाफ और आल पर्पज पे। घ आदेश का संबंधी अन्य नियम सेक्शन 87 समन के स्थान पर या उसके अतिरिक्त वारंट का जारी किया जाना। न्यायालय किसी भी ऐसे मामले में जिसमें वह किसी व्यक्ति की हाजिरी के लिए समन जारी करने के लिए इस संहिता द्वारा सशक्त किया गया है अपने कारणों को अभिकृत करने के पश्चात उसकी गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी कर सकता है। मतलब जिस न्यायालय को शक्ति दी गई है कि समन जारी कर सकता है तो वो आवश्यक लगता है तो इस संहिता के अंतर्गत वारंट जारी कर सकता है और अपने कारणों को अभिलिखित करेगा कि उसने वारंट जारी क्यों किया है। तो नंबर का है, यदि या तो ऐसा समन जारी किए जाने के पूर्व या पश्चात, मतलब समन जारी कर दिया उसके पूर्व या पश्चात उसकी हाजिरी के लिए नियत समय के पूर्व न्यायालय को ऐसा लगता है कि हाजिरी का समय है और व्यक्ति फरार हो गया है समन का पालन नहीं करेगा तो न्यायालय उसकी गिरफ्तारी का वारंट जारी कर सकता है। दूसरी कंडीशन है, यदि भाई ऐसे समय पर हाजिर होने में असफल रहता है, जो समय दिया है समन के अंतर्गत हाजिर होने में असफल रहता है और ऐसा साबित कर दिया जाता है कि समन की तामील सम्यक रूप से ऐसे समय में कर दी गई थी, उसके तदनुसार हाजिर होने के लिए अवसर था और असफलता के लिए उसके पास कोई उचित प्रतिभूति नहीं दिया जाता है कि वो क्यों उपस्थित नहीं हुआ। मतलब एक दो कंडीशन है, पहला कि उसको न्यायालय को लगता है कि समन जारी हो गया है या घोषणा हुई समन जारी हुआ है और व्यक्ति फरार हो गया है, समन का पालन नहीं करेगा तो गिरफ्तारी वारंट जारी कर सकता है। दूसरी कंडीशन है कि व्यक्ति को समन सम्यक रूप से हो गया है और सम्यक तामील हो गई है, उसको समय का पता है, फिर भी निर्दिष्ट स्थान पर उपस्थित नहीं होता है और असफल रहता है और कोई उचित प्रतिहूति हेतु भी नहीं है जो बताए कि क्यों नहीं उपस्थित होता है तो न्यायालय उसके विरुद्ध वारंट जारी कर सकता है। सेक्शन 87 था। और सेक्शन 88 हाजिरी के लिए बंद पत्र लेने की शक्ति, मतलब हाजिरी के लिए हाजिर हुआ है तो न्यायालय उससे बंद पत्र जारी कर सकता है। कैसे? जब कोई व्यक्ति जिसकी हाजिरी या गिरफ्तारी के लिए किसी न्यायालय का पीठासीन अधिकारी समन या वारंट जारी करने के लिए सशक्त है, ठीक है, ऐसे न्यायालय में उपस्थित है, तब वह अधिकारी उस व्यक्ति से अपेक्षा कर सकता है कि वह उस न्यायालय में या किसी अन्य न्यायालय में जिसको मामला विचारने के लिए आमंत्रित किया जाता है अपनी हाजिरी के लिए बंद पत्र प्रतिभूतियों से तैयार है निष्पादित करे। मतलब न्यायालय में उपस्थित है, वो पीठासीन अधिकारी भी उपस्थित है, न्यायालय को लगता है कि उसका हाजिरी का बंद पत्र उससे लेना चाहिए तो न्यायालय उससे बंद पत्र लेगा, वो न्यायालय लेगा या अन्य उस न्यायालय को देगा जिसको संतरित कर दिया गया है मामला और अपनी हाजिरी के लिए बंद पत्र प्रतिभूतियों से तैयार है तो उसको निष्पादित करवाए। तो ये न्यायालय की पावर है। सेक्शन 89 हाजिरी का बंद पत्र भंग करने पर गिरफ्तारी। व्यक्ति ने मान लो अपनी हाजिरी जो उपस्थिति है उसके लिए बंद पत्र दिया है, उस बंद पत्र को भंग कर देता है तो उसके लिए गिरफ्तारी की जा सकती है। जब कोई व्यक्ति जो इस संहिता के अधीन लिए गए किसी बंद पत्र द्वारा न्यायालय के समक्ष हाजिर होने के लिए आबद्ध है हाजिर नहीं होता तब उस न्यायालय का पीठासीन अधिकारी, मतलब वो कह रहे हैं जब कोई व्यक्ति इस संहिता के अधीन, मतलब CRPC के किसी भी क्लॉज में कहीं भी किसी भी सेक्शन के अंतर्गत उसने बंद पत्र दिया है और न्यायालय के समक्ष हाजिर होने के लिए आबद्ध है, बाउंड है, हाजिर नहीं होता है तब उस न्यायालय का पीठासीन अधिकारी यह निर्देश देते हुए वारंट जारी कर सकता है कि वह व्यक्ति गिरफ्तार किया जाए और उसके समक्ष पेश किया जाए, मतलब उसको गिरफ्तार किया जाए और उसके समक्ष उपस्थित कराया जाए। सेक्शन 90 है। इस अध्याय के उपबंधों का साधारणता समनों और गिरफ्तारी के वारंट रूप में लागू होना। इस अध्याय के अंतर्गत समन और जो वारंट हैं गिरफ्तारी के वारंटों को भी जो बंद हैं वो समन और वारंट पर लागू होंगे। समन और वारंट तथा उन्हें जारी करने, ठीक है, समन और वारंट उन्हें जारी करने, उनकी तामील, उनके निष्पादन संबंधित जो भी उपबंध हैं, जारी करने, तामील करने, निष्पादन संबंधी जो भी उपबंध हैं इस अध्याय में हैं, वे संहिता के अधीन जारी किए प्रत्येक समन, इस संहिता के अधीन जारी किए प्रत्येक समन और गिरफ्तारी के वारंट के लिए आवश्यक लागू होंगे। मतलब यहाँ इस अध्याय में जो भी समन और वारंट की बात की गई है, जो उपबंध बताए गए हैं, वो संहिता में कहीं भी यदि समन वारंट की बात की जाती है तो ये उपबंध उन पर लागू होंगे। ये सेक्शन 90 था। तो ये अध्याय 6 था, प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस। नेक्स्ट अध्याय 7 है जिसमें चीज़ों को उपस्थित करने के लिए आदेश का हैं, जिसको अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।
आई थिंक आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अध्याय 6 में 4 भाग थे, ए बी सी डी, सेक्शन 61 से लेके 90 हमने देखा। इसको बार बार देखें, पढ़ें, सुने, शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं अध्याय 7 के ऊपर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।